बताओ, इन्हें पूछना नहीं चाहिए था? हाँ, अपनी लड़की दे रहे हो तुम, पूछताछ तो करनी चाहिए थी। अभी रुक, अभी बनवाती हूँ तुझे हीरो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ओ जा जा, मैं नहीं डरता। मम्मी, मैं फोन चार्जर पे कनेक्ट करके वॉशरूम गई थी और इसने मेरा फोन। बात कर रही हूँ किसी से। ओ, मैं कहा ना, मैं नहीं हटाया तेरे चार्जर। नहीं तो फिर भूत आके हटा के गया। मैनू की पता, चुड़ैल वांगू पीछे पै गई मेरे। बताओ, इतना बड़ा झूठ बोल गए लड़के वाले, इन्हें कुछ पता ही नहीं चला? तुझे नहीं पता, उसी बोर्ड में प्लग लगा के प्रेस कर रहा था। इतना झूठ कौन बोलता है कुत्ते? ओ, तू झूठ दी गल कर दिए। चोरी चोरी तो सारे स्नैक्स थे, ड्राई फ्रूट खा जाती है। ओ मम्मी जी, वो जड़ा पार्सल आया सीगा ना, वो ऐदा ही सी। फ्रेंड का तो नाम झूठे ही लिया इन्हें। रुको दो मिनट, करती हूँ तुमसे बात। अब तो मम्मी मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, इस कमीने ने सब कुछ बता दिया। बहुत चर्बी चढ़ गई है ना तुझे? ओए मम्मी जी, मैंने चप्पल मारी है ने। इसलिए बोलती हूँ, बताओ क्या फायदा? अब लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। ये इतना शोर कहाँ से आ रहा है? अरे कुछ नहीं, वो पड़ोस में लंगर लगाया ना, तो लोग इकट्ठे हुए हैं, वहीं से आ रहा है शोर बस। मम्मी जी ने तो तेनू बाद में देखना, पहला मैं ही देख ला। मम्मी, इसने मेरे सर पे चप्पल मारी। बड़ी बहन को चप्पल मारेगा? रुक। शिमला मिर्ची में तो बाद में भरूंगी मसाला, पहले तुम्हारी खालों में भर दूं। रुको, खून उबाले मार रहा है तुम्हारा। दो मिनट कहीं बात करने लग जाओ तो इनकी महाभारत शुरू हो जाती है। कहीं चैन से बात नहीं करने देते, पता नहीं कैसी नालायक औलादा सर पे चढ़ के नाचती है। सोचती हूँ ना हाथ उठाऊं ना हाथ उठाऊं, मुझे मजबूर कर देते हैं ये। क्यों खांदी है? दिख नहीं रहा तुझे या बता के ही पता चलेगा? एक मेरे लिए भी ऑर्डर कर देंदी, लास्ट टाइम किया था, अभी तक उसके पैसे नहीं दिए तूने मुझे। चल कोई गल नहीं, विचो एक वाइट खिला दे। शक्ल से बेवकूफ लग रही हूँ ना मैं तुझे? तू एक बाइट मांगेगा और मैं तुझे अपना रोल दे दूंगी। चला जाए यहाँ से, एंजॉय करने दे मुझे मेरा रोल, मूड मत खराब कर। ए चंगा है, तेरी हर गल मानदा, जिथे कहंदी ओथे चला जांदा, जो भी कहंदी ओ करदा। जो तो मम्मी जी ने तेनू ट्रिप ते जाण लई मना किता, मैं दित्ते तेनू पैसे, तू विचो एक बाइट नहीं खिला सकदी मैनू? पक्का एक ही बाइट खाएगा ना बस? हाँ हाँ, टेंशन ना ले। ले देख क्या रहा है खाना? ओ मैं की कहा, मैनू लगे मम्मी जी तेनू आवाज मार रहे ने। कुत्ते, आज के बाद दिल निकाल के भी बोलेगा ना, विश्वास नहीं करूंगी। दीप, देख जरा कौन है। अभी कोई ना कोई लेक्चर शुरू होने वाला है इनका पक्का। ये तनुज है, शर्मा जी का लड़का, इसका अभी अभी रिलेवल से प्लेसमेंट हुआ है। So hi, my name is Tanuj, I am from Ghaziabad and currently I am working as a business development manager. अच्छा तनुज बेटा, तेरा education background क्या था फिर? जी आंटी जी, actually मैंने bachelor of social work में graduation करी है 2018 में Delhi University से। तो तुझे पता कैसे चला रिलेवल के बारे में? एक्चुअली आंटी जी, मैं काफ़ी जॉब पोर्टल्स पर सर्च कर रहा था और काफ़ी यूट्यूबर्स को मैं इंस्टाग्राम एज वेल एज यूट्यूब पे फॉलो करता हूँ, तो मैंने काफ़ी गुडविल सुनी थी रिलेवल के बारे में, तो मैं उसके थ्रू रिलेवल तक पहुँचा था। बढ़िया है, तो फिर तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा रिलेवल से? एक्चुअली आंटी जी, ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये काफ़ी ही टाइम टेकिंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं है जो यूजली जॉब में होती है। कि लाइक हमने हमेशा सुना है कि जॉब में आपको जाना होगा, वॉक इंटरव्यूज देना होगा, एचआर राउंड्स क्लियर करोगे, वह इसमें एक सिंपली टेस्ट आपको क्लियर करना है, एक बेसिक टेस्ट होता है वो आपको क्लियर करना है, आप वो क्लियर करेंगे और तभी आपके तुरंत विद इन 2-3 डेज आपके रिप्लाई बैक आ जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना सब सारी हेडेक रिलेवल की होगी, आपकी जो इकलौता हार्डवर्क होगा वो होगा आपका टेस्ट क्लियर करना। तो फिर तू इससे भी कोई टिप देना। रीलेवल बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एक्सपीरियंस एज वेल एज फ्रेशर के लिए, क्योंकि आंटी जी आज के टाइम पे कोई भी कंपनी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती फ्री ऑफ कॉस्ट, वही प्लेसमेंट्स के लिए, जिसमें फ्रेशर को भी कंसीडर करते हैं कि उन्हें भी 3 लाख से अबव पैकेज मिल सकें, इवन 5 लाख एंड 10 लाख डिपेंडिंग ऑन देयर डोमेन। अच्छा चल, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और बता, घर में सब ठीक है? जी आंटी जी, सब ठीक। अस्त चल जाना काम। मम्मी, मैंने अभी तक ब्रश ही नहीं किया, ये गीला क्यों हो रहा है? तू
तूने यूज किया है ना मेरा ब्रश? ए, बैंगनी वाला तेरा है? मुझे ना पता था तेरे अलावा ना कोई नहीं कर सकता ये गंदे काम। ओ मैं नींद विच सीगा, जेड़ा हाथ लग गया ओ चक लिया। छी, तेरे ना किसी दिन दोनों हाथ काट दूंगी मैं और दांत भी तोड़ दूंगी, फिर तो कभी कर ही नहीं पाएगा ब्रश। ओ तेरा ब्रश मेरा ब्रश एक कोई गल है। अपने ब्रश पे ना मार्क बना रही हो, अगर गलती से भी यूज करता हुआ दिख गया ना फिर देखना तू। मम्मी समझा लेना अपने पुत्र जी को, वरना फिर मत बोलना किसे कूट दिया। और ना ब्रश करने से ही कुछ नहीं होता, नहा भी लिया कर कुत्ते। कभी कभी तो ये लगता है कि ब्रेकफास्ट भी ना बिना ब्रश किए कर लेता होगा। दोनों जाकर रेडी हो जाओ स्कूल और कॉलेज के लिए, चलो। मम्मी कॉलेज में सारे लेक्चर्स तो लगने वाले नहीं है, तो जाके क्या ही फायदा, तो मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज। ओ मम्मी जी मैं भी नहीं जाऊंगा स्कूल। क्यों भाई, तू क्यों नहीं जाएगा? ओ बोर्ड्स चल रहे ने ना, ता सारे बच्चे घर बैठ के पढ़ाई कर रहे ने, बहाने बाज कहीं का। मम्मी जरूर लड़ाई करके आया होगा स्कूल में, आती होगी शिकायत किसी की। ठीक है फिर तुम दोनों यहीं पर हो ना, आज बुआ जी और फूफा जी आने वाले हैं, ठीक से रहना उन दोनों के सामने। वो मम्मी मैं क्या कह रही थी कि जो भी लगेगा एक दो लेक्चर इम्पोर्टेंट तो होता ही है और नोट्स भी मिस हो जाएंगे, तो मैं कॉलेज चले ही जाती हूँ। ठीक है जा रही हूँ। ओ मम्मी जी मैं की कह रहा सी, मैं भी स्कूल चले जाता, तुसी मेरा लंच का डब्बा पैक कर दो। मम्मी स्कूल का होमवर्क करा दो। बेटा मम्मी काम कर रही है ना, जब दीदी को बोल वो करा देगी, अंदर होगी। नहीं दीदी डांटती है, मारती भी है। नहीं मारेगी, मैं यही हूँ, आवाज लगा देना मुझे। आप कहीं मत जाना, यही रहना। हाँ यही हूँ मैं, जा। नहीं चलते हैं फिर, कोई इशू नहीं है। क्या देख रही है चुपके से? दीदी होमवर्क करा दे। बिजी हो ना, मैं अपना काम कर रही हूँ, बाद में आ जाइयो। मम्मी दीदी मना कर रही है होमवर्क कराने के लिए। अच्छा मम्मी ने भेजा है क्या? आजा हो गया मेरा काम, तू आजा तुझे करा देती हूँ होमवर्क। मम्मी मेरा मतलब बाबू, अच्छे से कराऊंगी, आजा आजा। ओपन कर कॉपी, राइट फाइव फ्रूट्स नेम। शक्ल क्या देख रही है? लिखना पांच फलों के नाम। दीदी डांट रही है। अरे पागल डांट थोड़ी ना रही, प्यार से बोल रही हूँ। सबसे पहले एप्पल लिख। ए डबल पी। दीदी ए डबल पी के बाद क्या आता है? घासलेट कहीं की, इतनी बड़ी हो गई है तुझे एप्पल की स्पेलिंग नहीं आती अभी तक। चुप, बिल्कुल चुप, बता रही हूं ना, लिख ए डबल पी एली एप्पल। दीदी ऑरेंज की स्पेलिंग, दीदी बता दो, दीदी बता दो, दीदी बता दो। पागल है क्या, मैं अपना काम ना करूं? बाबू सॉरी, मैं लिखवाती हूँ। बाबू प्लीज रोइयो मत, कैंडी चॉकलेट मैं सब ला कर दूंगी तुझे। मैं अभी लेने जा रही हूँ ना, जो तुझे चाहिए बता दे। चुप हो जा प्लीज, अगर मम्मी आ गई ना मार देंगी मुझे। ओ यार सुबह सुबह पेट चंगी तरह साफ नहीं होता। छी यार मम्मी क्या खाता है ये ऐसा, हम भी तो सेम खाना खाते हैं ना, और इतना बवंडर क्यों मचा के निकलता है ये ना? तेरी पॉटी से तो फूल झड़ देने, इत्तर दी खुशबू आंदी है। हाँ तभी तो ये बाबा का चूरन घोल के पीता रहता है ना। मम्मी यार ये पता नहीं क्या बाहर से ऊट पटांग खा के आता है चिली चाउमीन ये ठेले वाले, और घर में आके धमाके करता है। ये श्लील हरकत तूने की है ना? इधर उधर क्या देख रहा है, शर्म नहीं आती तुझे? मैं खाना खा रही हूँ तुझे ऐसी हरकत करते हुए। नहीं मैं तो नहीं किता। झूठ बोल रहा है, तेरे अलावा कौन है यहाँ पादने के लिए?
एक बार अपना पुलाव चेक कर, ओदे विच तो नहीं आ रही। ज्यादा ना ये बहाने मत बना, यहाँ भूत नहीं है और तूने ही किया है। मैनू तो नहीं आ रही, तेनू पता नहीं क्यों आ रही है। एक बार को आवाज वाला फाट चल जाता, ये साइलेंट वाला करके ना तूने मेरे खाने का मूड खराब कर दिया। ओ खड़ जा मेरी गल तो सुन। निकल गया यार, मैं की करदा एदे विच। तो बाहर जाना था ना तुझे या वॉशरूम में? ओ यार बाहर जाने का मौका नहीं मिला ना बेटा, आज तू खत्म। ओ खड़ जा आज चप चप की करी जांदी, तमीज नाल नहीं खा सकती। तुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना, तो निकल यहाँ से, वहां बैठ नीचे जहाँ तेरी जगह है। ओ मम्मी जी, जो तो असा किते बाहर जांदे हैं डिनर लई जा लंच लई, किन्ना शोफ कर दिए, खाने नू तो हाथ ही नहीं लौंदी, कहंदी आम ऑन डाइट, और कार विच भैंस वांगू चार दिया, चार 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 चार। उपरों हाथ साफ करने लई एनू नैपकिन चाहिदी है। चल कम से कम नैपकिन से तो हाथ साफ करती हूँ, तू तो खाना खाकर प्लेट तो चाटता ही है, साथ में उंगलियां भी चाट जाता है, धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गंदा घोड़ा, करके भी साफ नहीं करता होगा। ओ फड़ कैच, फड़। ओ यार ला रिमोट दे, बहुत देर होगी पकाते पकाते, ये मारा छक्का और बाउंड्री पे आउट हो गई। नहीं देंदा, चल रुक बंद करती हूँ, फिर ऑन करके दिखाइयो। तू बंद करके दिखा, तेरे बाप का टीवी है? नहीं तो फिर तेरे बाप का है। सुन ये ना रोज का हो गया है, तो ना आप टाइमिंग डिसाइड कर लेते हैं रिमोट लेने की। मॉर्निंग टाइम तेरा होगा, इवनिंग मेरा होगा, मीत कार्टून देखती है दोपहर में, तो वो उसका। चंगा एक मिनट, मॉर्निंग दाते मेरा स्कूल का टाइम हुंदा। अच्छा स्कूल टाइम होता है, एक मिनट रुक सोचने दे कुछ। एक ऑफर और है, संडे को तू इवनिंग में ले सकता है। डन, चंगा। ओए टिंके हैप्पी बर्थडे। ओए ट्यूशन, ट्यूशन के बाद पार्टी करेंगे, ट्यूशन के टाइम पे आ जाना। ओ चंगा वीरे चंगा। मम्मी जी नू पूछता? नहीं यार, मम्मी जी ने तो ट्यूशन दे टाइम ते बिल्कुल अलाउ नहीं करनी पार्टी शार्टी, पूछता ही नहीं। ओ मम्मी जी ट्यूशन जा रहा मैं, अभी तो 4 ही बजे हैं, 5 बजे की ट्यूशन है ना। ओह आज सर जी ने जल्दी बुलाया ना, वैसे तो तेरा मुंह भी नहीं धुलता, आज बड़ा तैयार शेयर होके ट्यूशन। ओ मम्मी जी यार, तुसी भी हमेशा शक करते रहते हो, मुंह धो के जावा ता प्रॉब्लम, ना धो के जावा ता प्रॉब्लम। हाँ हाँ ठीक है जा, तो भाई को साथ ले जाना, प्रॉब्लम ही क्या है? नहीं यार आज उसका बर्थडे है, दोस्तों के साथ जा रहा है, जितना भी तो आ रहा है पार्टी में, उसने नहीं बताया। अच्छा मम्मी जीता कहाँ है? ट्यूशन गया, काफी लेट हो गया, कॉल करियो जरा उसे। वैसे पार्टी कहाँ है? मूड स्विंग्स लॉन्ज में। मूड स्विंग, चल ठीक है ओके। हाँ हो गई मम्मी मेरी बात, थोड़ा लेट हो गया होगा, एक्स्ट्रा पढ़ाया होगा ना। 2 घंटे एक्स्ट्रा नहीं होगा ट्यूशन में? हाँ वो सर ने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया सी। अच्छा दिखियो जरा क्या पढ़ाया। लेफर्ड सबत है, पूछ ले। तो फिर टिंकू की बर्थडे पार्टी कौन से लॉन्ज में थी? केड़ी पार्टी? अच्छा आज टिंके तो बर्थडे है, विश कर देना उन्हें, बुरा मंजूगा। अभी तक तूने टिंकू को विश नहीं किया, कैसा दोस्त है तू। तो फिर मूड स्विंग में क्यों गया था? गर्लफ्रेंड को लेकर। तैनू के वे पता? बेटा तेरी बहन ही नहीं हूँ, अंडरकवर एजेंट हूँ तेरे लिए, तो मुझसे तो झूठ मत ही बोला। ओ यार एनू की वे पता लग गया, मैं तो कोई पोस्ट भी नहीं पाई। और क्या, कैसे किसे मुझसे सवाल करने का ना कोई फायदा नहीं है, तू मैनू ही स्टॉक कर दी रहती है, तेनू कोई होर काम नहीं हैगा। बेटा 20 साल से जानती हूँ तुझे, और वही काम है मेरा तुझे स्टॉक करना। पर आवाज ना नीचे, मेरी आवाज ऊंची हो गई ना मम्मी। ओ प्लीज मम्मी जी नू ना दसी, तेरा हर काम करांगा मैं। ठीक है फिलहाल 1 ग्लास चिल्ड वाटर लेकर आ, ठंडा पानी। हुणे लेके आना। ले फड़। ले दी जी लो। नाम लेगा तू मेरा? दीदी जी पानी फड़न दा कष्ट करो। कहाँ जा रहा है? किते भी नहीं। ठीक है
मैं जब भी बुलाऊं मेरी एक आवाज पर यहाँ होना चाहिए, चाहे रात के 12 बज रहे हों। कोई गल नहीं, फिर मैं इत्थे ही बह जाना। ये फिर मेरी साइड लेट गया। इस कमीने को अच्छे से पता है कि वो मेरी जगह है, लेकिन फिर भी जानबूझकर इसे पंगे लेने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसे तो ये हटने वाला है नहीं। सुन, तेरी ना चॉकलेट रखी है, खा ले जाकर। चॉकलेट कितनों आई? मैं लाई थी ना बड़ी वाली, फिर मेरा ज्यादा खाने का मन नहीं हुआ, मैंने रख दी, तो बची हुई है, तू खा ले। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना ए अपसी अपनी चॉकलेट ता दूर, किसी नु अपनी सतमोला दी भी गोली ना देवे। सोच क्या रहा है, जाना। एक कम कर, तू अथे खड़ी है, मैनू ला के दे दे। क्यों ला कर दूं? एक तो मैं तुझे अपनी चॉकलेट दे रही हूँ, ऊपर से तुझे ला कर दूं, नौकर समझा है? अब जा खानी है तो फ्रिज के बाहर रखी हुई है, मेल्ट हो जाएगी। अदा कर, तू रहन दे, मैं बाद च खा लूंगा। बहुत देर हो गई कुत्ते, तू हट रहा है नहीं हट रहा है मेरी जगह से? तुझे कितनी बार बोला है मेरी साइड है, वो वहीं सोना होता है तुझे। हुण आया ऊंट पहाड़ दे थल्ले, ताई मैं सोचूं आज चॉकलेटां क्यों खिलाई जा रही हैं, आज इन्ना वड्डा दिल किवें हो गया चिंदी दा। ओ हेलो, तुझसे तो बड़ा ही दिल है, तेरी तरह ना रक्षाबंधन पे 200 रुपए देके काजू कतली नहीं खाती एटलीस्ट। मेरे लिए स्पाइडरमैन वाली राखी लेकर आना, नहीं तो मैं नहीं बनवाऊंगा, तेरी तरह डिमांड नहीं करती हूँ। ऐदा वधिया है, काजू कतली मम्मी लेके आंदी है, रखड़ी मम्मी लेके आंदी है, एनू फ्री दे पैसे चाहिए है। तू ना मुद्दे पे आ, मेरी जगह क्यों ली तूने, उठ वहां से अपनी साइड से। हुण तो बिल्कुल नहीं हटांगा, प्यार नाल बोल दी तो मन जांदा। मम्मी को बोलू फिर? हाँ बुला ले, कुर्ता तैनू भी पहनी है, रोज रोज का ड्रामा हो गया। ठीक है, आज ना तू सो उस जगह पर ही, रात को उठा के पटकूंगी तुझे मैं। ये दोनों आउटफिट पे पूरा जा रहे हैं, पर दोनों में से एक लेना है, कौन सा लूं? अच्छा सुन, मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रही हूँ, ये दोनों इयररिंग में से कौन सा लूं? मुझे फंक्शन में पहनना है। वो तैनू केड़े फंक्शन च पौनी है? अरे 30th को जो रिसेप्शन है उसमें। ओनू तो अभी 1 महीना बाकी है। हाँ तो तैयारी तो करनी पड़ती है ना, अभी ज्वेलरी डिसाइड कर रही हूँ, हील भी देखनी है और लहंगा भी डिसाइड करना है, और पार्लर का भी तो है, बहुत सारा काम होता है। मैनू की पता कुड़िया दे फैशन बारे। तो तुझे मैं ऑप्शन दिखा रही हूँ ना, एक ही तो चूज करना है बस। ओह तू ना मेरा दिमाग ना खराब कर, चल तू रहो। हाँ हाँ मुझे क्यों बताएगा, लेकिन अभी गर्लफ्रेंड ने पूछा होता ना तो बेबी आपके ऊपर ना ये वाला सूट कर रहा है, आप ना ये ले लो। खैर तेरी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं हो सकती, शक्ल ही ऐसी है बंदर जैसी। ओ बांदरी जी कितनी मतलब ही है तू, जब तू तेरा कोई काम कर दवा तो कितना चंगा है मेरा भाई, जे ना करा तब बंदर जैसी शक्ल है मेरी। हाँ अब ना बहुत देर हो गई, ये गंदे से ना पैर हटा, बड़े बड़े बालों वाले, चल। हाँ तो तेरी तरह तीजे दिन पार्लर नहीं जाना ना, अब पैरों वाले जंगल कटाने वास्ते। हाँ तभी रोज वॉशरूम में जाके चुपके से मेरा फेस वॉश यूज करता है। रोज नहीं करता, मेरा फेस वॉश मुक गया सी ता कर लिया एक बारी। मैनू भी शौक नहीं तेरा फेस वॉश यूज करन दा, समझ लगी? और शौक डाल भी मत लियो, वरना लड़कियों जैसी स्किन हो जाएगी, दाढ़ी भी नहीं आएगी, वैसे तो दूर दूर तक लग भी नहीं रहा कि तुझे आएगी। और मेरा ना फेस वॉश यूज करना छोड़ दे, शायद थोड़ी बहुत आ जाए। ओह चल मुंह बंद कर बंदरी जेई, अपना काम कर। भाई मैं बहुत लेट हो रही हूँ, प्लीज मुझे ड्रॉप करा। तेनू अन्ना वाला लगदा मैं, ड्राइवर है तेरा मैं, जिथे बोलेगी उथे लेके जावांगा। हाँ तेरे तो बहुत बड़े बिजनेस चल रहे हैं ना, दिख रहा है। एक दिन वेखी इन्ना वड्डा बिजनेसमैन बनांगा, 1-2 करोड़ तो तेनू ऐदा ही दे दंगा। पहले तो मैं ना बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ, प्लीज चल। तेनू उथे छड़ के मेरा की फायदा? ये देखो इस कंगले को, अभी मुझे 2-3 करोड़ देने की बात कर रहा था। अभी रुक, दिलाती हूँ मम्मी से फायदा। ओ खड़ जा, एक एक्स्ट्रा मलाई कुल्फी खिला दियो। रिश्वत चाहिए तुझे हमेशा, घासलेट कहीं का। चल अब जल्दी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। एक मिनट रुक, मैनू कुछ याद आ रहा, यह टी शर्ट तो मेरी है ना। तेनू किन्नी बारी क्या है, मेरे कपड़े ना पाया कर ना पाया कर, हर हफ्ते तो तू शॉपिंग कर दिया, लेकिन कपड़े तेनू मेरे पौने आंदे हैं। तुझे पता है आई लव ओवरसाइज्ड। ओवरसाइज्ड लेके क्यों नहीं आंदी फिर, मेरे कपड़े अटैक कर दिए। कड़ हुणे कड़ है नू बांदरी जी। भाई प्लीज अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी पहनने दे, चेंज करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। ऊपरों बाहर पाके जानी है, मेरे मित्र मैनू कहंदे तू अपनी भैन दे कपड़े पौने, कितने भी मुंह दिखाउण लायक नहीं रहंदा मैं। अभी जाने देना, जद तक तू एदे विच गटर जी बदबू भर देनी है। कड़ ठीक है, नहीं निकाल रही, कर ले क्या करना है, और ना कुल्फी भी नहीं खिलाऊंगी।
मम्मी मुझे लेट हो रहा है और जीता मुझे छोड़ने के लिए नहीं जा रहा। चल रहे अब। मम्मी स्कूल का टाइम हो गया, जीता अभी तक नहीं उठा। उठा दे फिर, मम्मी उठाएगी क्या आके? इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी मैं। अभी चखाती हूँ उसे मजा। इसके स्कूल चला जा। मम्मी जी। मम्मी तो चलेगी, अब ये डिसाइड करो कौन क्या काम करेगा। तो तू खाना बनाएगा? मैनू बनाना तो नहीं आंदा पर ट्राई कर लूंगा। तो तू रहने दे फिर, हमें टेस्टलेस और जला हुआ खाना नहीं खाना, है ना मीत? तो तू एक काम करियो, तू सारे बर्तन साफ करेगा, ठीक है? चंगा फिर, मैनू भुख लगी है, तू कुछ बना दे मेरे लिए। ठीक है फिर, 2 मिनट में बना के लाती हूँ। 2 मिनट की बनूगा? मैगी मैगी मैगी। मम्मी आपने बादाम क्यों गीले किए? बेटा दीदी मेहनत कर रही है ना, दिमाग तेज होता है बादाम खाने से, उसके लिए भिगोए हैं। मुझे भी खाने हैं मम्मी। बेटा ये तो दीदी के लिए भिगोए हैं, ऐसा करूंगी आज रात तेरे लिए भी भिगो दूंगी 5 बादाम। चल फटाफट बादाम खाकर नाश्ता कर ले, भूखे पेट मत चले जाना। मम्मी जल्दी दे दो, भूख लगी है। ले। मम्मी मुझे भी दे दो। बेटा अभी देती हूँ, दीदी का एग्जाम है ना, लेट हो रहा है उसे। मम्मी दीदी का ज्यादा ध्यान रख रही है, मुझे तो भूल ही गई। मम्मी सारा प्यार दीदी को ही दे रही है। मम्मी मेरे सर में और पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? आजा तू, आजा मेरे पास, उठ जा तू। ड्रामेबाज। हेलो गाइज, होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने सिबलिंग के साथ, फ्रेंड्स के साथ और फैमिलीज के साथ। तो गाइज आज तनुज ने बताई दिया है आपको रिलेवल का कमाल, यहाँ से क्रेड, यात्रा, मीसो जैसी 800 प्लस कंपनी हायर करती है। 18 अगस्त को रिलेवल को पूरा 1 साल हो गया है और रिलेवल ने अब तक 1100 प्लस नौकरियाँ लगवाई हैं। ये इंडिया के किसी IIT और IIM में दी जाने वाली नौकरी से भी ज़्यादा है और एक बंदे की तो 40 लाख की नौकरी लगी है। डू चेक आउट रिलेवल बाय अन अकेडमी, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन।